आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता होगा। जहां पे ये फोकस वर्ड एंड होता है ना एस, और जहां से सक्सेस वर्ड स्टार्ट होता है एस, वो एस वर्ड स्टैंड करता है सैक्रिफाइस के लिए। व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स? सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको अच्छे नंबर चाहिए, सबको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, सबको कोई कंपटीशन ब्रेक करना है। प्रॉब्लम क्या है कि उस कंपटीशन की तैयारी के लिए, उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर 30 दिन में कोई क्या कर लेगा, सर 60 डेज में कोई क्या कर लेगा, ये लगता है ना। सर 90 डेज में, 3 महीने में कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर, अब तो टाइम ही नहीं है, लाइफ में इतनी चीजें मैनेज करनी है और साथ में पढ़ाई भी, या साथ में कोई तैयारी, या साथ में अपने एम को भी, ऐसा आपको लगता है। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता होगा। जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए ना, उतनी पतली गली से गुजरना पड़ेगा। मतलब यह है कि बहुत सारी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज को। वो बड़ी सी चौड़ी सी रोड नहीं है अपने पास कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वहां भी घूम लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, ये वाला एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और लास्ट में हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ऐसा आपको लगता है ना, ऐसा हो सकता है कि सब कुछ करेंगे और लास्ट में काम भी बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लो, आपके पास एक दिन में 24 घंटे ही रहेंगे। अब आपकी मर्जी है उस टाइम को आप किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हो। आपको अपनी बहुत सी एक्टिविटीज पता है गलत है, रियलाइज भी है गलत, फिर भी आप उसको अपने साथ कैरी ऑन करते हुए चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो कि हाँ, इन सबको साथ में लेके थोड़ी सी मेहनत करके भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मे बी आप हो जाओ, मे बी, बट ना ही आप उस लेवल पे सक्सेसफुल होगे जो आपका ड्रीम है, ना ही आप उस टाइम पीरियड के अंदर सक्सेसफुल होगे जो आपको होना चाहिए। इट विल टेक मोर टाइम, दिस विल फेच यू लेस सक्सेस देन दैट यू वॉन्ट। इफ यू कैन नॉट सैक्रीफाइस फॉर वॉट यू ड्रीम, इफ यू कैन नॉट सैक्रीफाइस फॉर वॉट यू ड्रीम, देन योर ड्रीम विल बिकम अ सैक्रीफाइस। अपने सपने के लिए अगर बाकी चीजों को नहीं छोड़ सकते ना, तो बाकी चीजों के लिए एक दिन अपना सपना हाथ से छूट जाए। एक समय आता है कि वो चीज हाथ से छूट जाती है और उसके बाद रियलाइज होता है कि बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। पर एज यू नो, टाइम हमेशा आगे चलता है, वो पीछे नहीं जाएगा। सर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में? मैंने बोला ना, जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतनी पतली गली होती जाएगी, के लिए उतनी ज्यादा चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया, मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू सी दिस गर्ल, वी ऑल नो दिस गर्ल, वी ऑल रिस्पेक्ट हर, शी विन अ सिल्वर मेडल इन रियो ओलंपिक्स।
बिग थिंग, बिग डील, बहुत बड़ी बात है, तालियां, वाह। बट क्या हमें पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत और कितने सैक्रिफाइसेस होंगे? सुबह 4:30 पे हर रोज उठना, हर रोज सुबह 4:30 पे उठना। जस्ट इमेजिन, अपन 2-3 दिन में गिव अप करते हैं हर रोज। मैंने इनका इंटरव्यू सुना, इन्होंने 3 महीने तक अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। आप 2 दिन यूज नहीं करो फिर समझ में आएगा। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो इंटरनेट फॉर 3 मंथ्स, फॉर 90 डेज। और क्या मिला इनको? रियो ओलंपिक सिल्वर मेडल। ये अचीवमेंट होती है, देश का झंडा सबसे ऊपर जा रहा। बड़ा सैक्रिफाइस, नो आइसक्रीम्स, नो शुगर, कितनी चीजें इन्होंने छोड़ी, हमें नहीं दिखता, हमें मेडल दिखता है। इसी तरह से आपको सक्सेस दिख रही है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, मैं कॉम्पिटिशन ब्रेक कर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसके पीछे जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हो। पुट पेन बिफोर प्लेजर, पुट पेन बिफोर प्लेजर। अब कई लोग यहां पे डिसएग्री करेंगे, कहेंगे सर जिस काम में मजा नहीं आता उस काम को करने का क्या मतलब है, है ना? प्लेजर तो लाइफ में सर जरूरी है, ये पेन लेके लाइफ में क्या मिलना है? सो एज भगवत गीता सेज, एंड आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिज्म, जो किताब में अच्छी लगी चीजें वो उठा लेता हूं किसी भी किताब से। सो एज भगवत गीता सेज इन चैप्टर 13-18, दैट विच सीम्स लाइक अ पॉइजन इन द बिगिनिंग एंड बिकम्स नेक्टर इन द एंड इज रियल हैप्पीनेस। जो शुरू में जहर जैसा कड़वा लगे और बाद में अमृत जैसा मीठा लगे, वो असली खुशी है। वो आती है कोई चीज अचीव करने में, क्योंकि मेहनत करते वक्त बहुत पेन लगता है, लगता है क्या क्या मैंने इसके लिए त्याग दिया जिंदगी में, पर जिस दिन अपना गोल अचीव होता है ना, उस दिन वो अमृत लगता है, वो अमृत लगता है उस दिन। विराट कोहली इज एन एग्जाम्पल फॉर होल यूथ कि विराट कोहली ने क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, सचिन से भी तेज जा रहे हैं। नो कंपैरिजन यहां कमेंट में सचिन विराट का, नो, बट यस, विराट कोहली ने बहुत कुछ किया इतनी कम एज में, ही सो सक्सेसफुल। उनका भी इंटरव्यू देखा मैंने, तो 4 साल से उन्होंने अपने फेवरेट फूड को क्विट किया है। अगर यहां कोई फूड लवर है तो वो समझता है फेवरेट फूड को 4 साल तक क्विट करना इज अ बिग डील, बड़ी बात है। रिलेट करो, हर इंसान की जिंदगी अलग है। तुम सोच रहे हो खाना छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपनी फेवरेट डिश जिससे सबसे ज्यादा प्यार था, जिसको रोज खाना चाहता है, वो 4 साल से इंसान नहीं खाया। काठी रोल्स उनके फेवरेट, बटर चिकन उनका फेवरेट, जितनी भी ऑयल वाली चीजें सब उन्होंने क्विट कर रखी है पिछले 4 साल से। क्यों? क्योंकि ट्रेनर ने बोला, क्योंकि उनको लगा इससे फॉर्म आएगा, इससे रन बनेंगे, इससे काम होगा मेरा, मुझे इससे सक्सेस मिलेगी। अपनी सबसे प्यारी चीज जब आप सैक्रिफाइस करते हो ना, वो चीज जिससे आप बहुत अटैच हो, वो चीज जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जो आपकी रोज की आदत है, उसको जब आप सैक्रिफाइस करते हो किसी गोल के लिए, तब आपका गोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हर पल रियलाइज होता है कि मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ रखी है इस गोल के लिए, हर वक्त। अब आप कोई इधर उधर की चीजें नहीं करोगे, सबसे क्लोज चीज जिससे रोज जुड़े हुए थे वो आपने छोड़ दी अपने गोल के लिए, तो बाकी चीजें क्या मैटर करती है? कुछ मैटर नहीं करती। नहीं सर, हम तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम ऐसे ही जैसे चल रहा है ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस करेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, सब चल जाएगा ठीक है। एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, लिखो पिछले 1 महीने में तुमने क्या क्या अचीव किया, पिछले 1 महीने में तुमने कितना टाइम अपने मोबाइल पे, अपने अनवांटेड बड़े से फ्रेंड सर्किल पे, अपने अनवांटेड दोस्तों के साथ बेवजह के मूवीज देखकर वेस्ट किया। आप एक लिस्ट बनाओ, एंटरटेनमेंट एक अलग चीज है, टाइम वेस्ट एक अलग चीज है, आप एक लिस्ट बनाओ, आपके सामने क्लियर रिजल्ट है, कब तक उसे इग्नोर करोगे? अपने पिछले 1 महीने का डेटा देखो, तुमने क्या पढ़ाई की, कहां मस्ती की, कहां टाइम वेस्ट किया,
यू विल रियलाइज, यू विल रियलाइज, इवन आई डू। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, ना 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 भाई। टीचर का काम क्या होता है, कुछ चार बातें ऐसी बोल दो जिससे आप मोटिवेट हो जाओ। मैं वो करने आया हूं जहां से फोकस खत्म होता है, जहां पे फोकस वर्ड का एंड है, वहीं से सक्सेस वर्ड की स्टार्टिंग है एस, और उसी एस वर्ड से है सैक्रिफाइस। वो बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान बोलता है ना, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ। एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, अपनी लाइफ की अनवांटेड चीज को लिस्ट करो, जिसको अगले 2 या 3 महीने तुम्हें इग्नोर करना है अपने एग्जाम तक, और अपने गोल पे नजर रखनी है। उस बात को एक पेपर पे लिखो, उस पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रखो। स्टार्ट करो ये चीज आज से।